नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इसकी हेडलाइंस के साथ। सीकर जिले के सबसे वृद्ध महिला का हुआ इंतकाल। जुआ खेलते हुए भाजपा नेता गिरफ्तार। अस्पताल की लापरवाही ने छात्रा की जान। लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाय ग्राम की सबसे बुजुर्ग महिला का इंतकाल हो गया। उनका नाम हलीमा बानो था, जिनकी उम्र 108 वर्ष थी। उनके इंतकाल से पूरे गाँव में शोक की लहर छा गई। वहीं मृतक महिला के शोहर का भी 101 वर्ष की उम्र में इंतकाल हुआ था। हलीमा बानो का जन्म 1911 में खाटू श्याम जी में मीरा भक्त तेली के घर में हुआ था और इनका निकाह बाय गांव के दीन मोहम्मद से हुआ था। परिजनों ने बताया कि बानो प्रतिदिन की दिनचर्या व घर का काम स्वयं कर लेती थी। इस उम्र में रोज 5 टाइम की नमाज व रमजान के महीनों में अंतिम पड़ाव तक रोजे रखे। बानो अपने पीछे 9 संतानों की लगभग 200 से ज़्यादा पोता पोती दोहिते दोहिते से भरा हुआ परिवार छोड़ गई है। उनकी इस उम्र में उनके नए दांत आने शुरू हो गए थे। हलीमा बानो के जनाजे में आसपास के लोग अंतिम विदाई देने के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। चिरमिर के पूर्व महापौर भाजपा नेता डमरू बेहरा को दोन महिल ने पुलिस ने जुआ खेलते हुए अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कल देर शाम की हाई प्रोफाइल मामले को देख पुलिस ने भी एक चुप्पी साध ली है। मामला कल देर शाम करीब 9:30 बजे का है, जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम गठित की। टीम को क्वार्टर में दबिश दी, जहां 8 लोगों ने जुआ खेलते बाजी लगाते पुलिस ने धर दबोचा। उनके पास से 29,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। जिस अस्पताल में बेहतर उपचार और आधुनिक तकनीक के मशीन से उपचार करने की ख्याति अर्जित हो, उस अस्पताल में भर्ती मासूम छात्रा की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजापुर जिला चिकित्सालय का है, जहाँ कन्या आश्रम में अध्ययनरत पहली कक्षा में छात्र बुलबुल 3 दिनों से निमोनिया बीमारी से पीड़ित थी और अंत में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा को जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती कराया और बेहतर उपचार के लिए जगतपुर रवाना किया गया। माठवाड़ा आश्रम में पहली कक्षा में पढ़ रही बुलबुल केडीएम को कुछ दिनों से निमोनिया की बीमारी से पीड़ित थी, जिसका इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा था। नाजुक हालत को देखते हुए आज 3 बजे एम्बुलेंस ने ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ बुलबुल को मेडिकल कॉलेज जगतपुर रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। मैंने CMHO को निर्देशित किया है कि इस संबंध में जिसकी भी गलती है उसके संबंध में जांच कर मुझे प्रतिवेदन दें, जानकारी दें। इस संबंध में भी मैंने संबंधित आश्रम उसको निर्देशित किया है और उसके संबंधित अधिकारी को कि ऐसा घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। उसके बाद भी मैं बता पाऊंगा कि क्या एक्चुअल में स्थिति है। नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस संबंध में CMHO को निर्देशित किया है कि इस संबंध में मुझे जांच करके रिपोर्ट देंगे। तत्पश्चात उसमें अगर जिसकी गलती है तो उसकी विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बहुत दुखद घटना है। एक मासूम बच्ची बुलबुल जिसका इलाज के अभाव में मौत हो जाता है, और इलाज का अभाव भी ऐसा कि ऑक्सीजन एम्बुलेंस वाहन में CMO CMHO जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उस एम्बुलेंस में उस बच्ची को रिफ़र किया जगदलपुर के लिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं था। तो इसके लिए प्रशासन और पूरा स्वास्थ्य अमला जिम्मेदार है, और हम इस मांग करते हैं शासन से कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और इन पर निलंबित या इनको टर्मिनेट की कार्रवाई शासन करे। और साथ ही मैं इस बच्ची की मौत के मुख्य जिम्मेदार आश्रम अधीक्षिका को मानता हूँ, जिन्होंने ये जानते हुए उस बच्ची को अस्पताल ना ले जाकर उनके पिता को बुलाकर बच्ची को घर भेजने का काम किया। नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जी तबीयत कब से खराब थी उनका? तो तबीयत क्या बोलते हैं, 15 तारीख को खराब हुई थी। गले में गिल्टी हुई थी, ज़बरदस्ती नहीं भेजे हैं वो लोग। लिखित में अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं करके लिख के आवेदन दिए हैं, वो छोड़ के गए हैं। ट्रांसिल ही हुआ था। आपने कितने बार हॉस्पिटल ले गया उनको? 2 बार ले गई थी। तो उसमें कहीं निमोनिया की जानकारी नहीं आया? जी, मेरे को दो लोग घर ले गए थे तो मेरे को पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल लेके आए हैं, वो लोग फ़ोन भी नहीं किए। बच्ची की मौत के बाद आप परिजनों से मिली हैं अभी तक? मैं इधर बीजापुर में थी। अब ये तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ऑक्सीजन बीच रास्ते में 10 किलोमीटर इस पर ख़त्म हो गई थी। हाँ, ऑक्सीजन के लिए तोकापाल हॉस्पिटल में ले गया था, तो नहीं देंगे बोले ऑक्सीजन। वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिए? नहीं दिए। क्या बोले वो लोग? है लेकिन नहीं दे सकते हैं बोले अस्पताल वाले। अस्पताल वाले छे कुल लोग भी करते हैं, मैं भी किया। फुल ऑक्सीजन था, घूम के आ सकता था। अब डॉक्टर लोग करते हैं? हाँ, डॉक्टर भी किया था, मैं भी किया था। तो उतना पर्याप्त ऑक्सीजन था? था। तो बीच रास्ते में कैसे खत्म हुआ?
अब उन लोग बढ़ा दिए कि क्या किए समझ में नहीं आया, उधर कोई अपना स्टाफ रहने से वो कर लेता, अब उनको तो नहीं मालूम कम ज्यादा करना। उन्नाव बागरू थाना क्षेत्र में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। वहीं इस घटना में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। यह मामला देवली गांव इस्लामाबाद का है, जहां देर रात स्थानीय चौकी प्रभारी शिव कुमार यादव अपने 2 सिपाहियों के साथ गश्त पर निकले और इसी दौरान चौकी प्रभारी की नजर एक गड्ढे के पास खड़े वाहन पर पड़ी। जब वह वहां पहुंचे तो मौके पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन 3 लोगों को दर्द दबोचा गया। शराब पर वे लेबल लगाकर बेचने का काम करते थे। मौके से 3 मालवाहक वाहन और कुल 630 शराब की पेटियां बरामद कर ली गई है। नक्सली विरोधी अभियान के तहत सोमवार को बासासुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बारसुसुर थाना एसटीएफ बासुर की संयुक्त टीम ने सत्ताधार के पास घेराबंदी की और जिनमें जन मिलिशिया कमांडर मुन्नाराम मंडावी व तुलरा पारा तोड़मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर 1 लाख का नाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार कमांडर फरवरी माह में सर्चिंग के दौरान फायरिंग में 3 जवानों को घायल कर चुका है और हथियार भी लूट चुका है। आरोपी इस प्रकार अन्य मामले में कई बार भी लंबित हो चुका है। मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों ने टीम घोषित की और दोनों नक्सलवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DD समाचार। नमस्कार।